उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप जी खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। और एजेंडा क्या होगा पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए और दिव्यांग जन के लिए, इसे खुद समझ लेते हैं। 100 दिन का क्या एजेंडा होगा, कैसे विकास आप उत्तर प्रदेश के भीतर करने वाले हैं? मेरे दोनों ही विभाग उत्तर प्रदेश के आम जन से जुड़े हुए विभाग हैं। पिछड़ा वर्ग विभाग उत्तर प्रदेश की लगभग 11 करोड़ की आबादी जुड़ा हुआ विभाग है जी। मैंने इन वर्गों के कल्याण के लिए जो रोड मैप के बारे में सोचा है, जिस पे तैयारी मैंने सभी अधिकारियों को दी है, करने के लिए आग्रह दिया है। खासतौर से जो ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं उनको 100% स्कॉलरशिप मिले एजुकेशन डेवलपमेंट्स के लिए, बौद्धिक विकास के लिए, क्योंकि जब तक बौद्धिक विकास नहीं होगा किसी भी समाज को आगे बढ़ने का अवसर नहीं होता। तो बौद्धिक विकास के लिए उनको स्कॉलरशिप मिले, उनकी एजुकेशन प्रॉपर हो। सेकेंडरी जो ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं वो हायर सर्विसेज में जा सकें, आईएएस आईपीएस पीसीएस जैसी परीक्षाओं में जा सकें, उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर की योजना हम सोचते हैं ताकि एक स्थायी रूप से उनको विकास का माध्यम मिले। थर्ड, ओबीसी वर्ग की बहुत सारी गरीब बच्चियाँ हैं जो जिनके परिजन आर्थिक तंगी कारण शादी विवाह संपन्न करने में कठिनाई महसूस करते हैं, हम ऐसी गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान की राशि को बढ़ाकर उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो उनका एजेंडा है कि हमारी सरकार का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बैठे पायदान के व्यक्ति को मिले, उस पर हमारा मैं तो उसका बड़ी तैयारी। तो खासतौर पे पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए आपने ये जो एजेंडा बताया बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे आने वाले दिनों में जो 100 दिन का एजेंडा खासतौर पे होगा जो हर सरकार बना रही है, तो क्या हमारा इसमें सबसे प्रमुख पिछड़ा वर्ग के छात्रों का एक विकास होगा? निश्चित हमारे 100 दिन के एजेंडे में छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए स्कॉलरशिप को बढ़ाना अथवा 100% स्कॉलरशिप देना। सेकेंडरी दिव्यांग जन सशक्तिकरण माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही रुचि का विषय है, जिसके माध्यम से हम विकास तो करेंगे ही, उनको उनका सशक्तिकरण तो करेंगे ही, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि दिव्यांग जनों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करना एक पुनीत कार्य है, पुण्य कार्य है। तो हमारी रुचि रहेगी प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, कि उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन की संख्या लगभग 41 लाख है, उनके जीवन में खुशहाली आए।